आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजनीतिक दल लगातार हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुआ जा सके। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के 10वें चरण का आगाज हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लखनऊ के एचसीएल सिटी से रवाना होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बने परशुराम भगवान के मंदिर का अनावरण करने पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही सपा की रथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी की जनता भी मौजूद रही। जिस स्थान पे मैं आया हूँ, भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगी है। आज इस मंदिर में जहाँ मूर्ति लगी है उसका मैं दर्शन करने आया हूँ। आज मुझे पूजा करने का मौका मिला है। वहीं भगवान परशुराम जी का फरसा भी सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है। ये स्थान मूर्ति लगने से और यहाँ बड़े संख्या में पूजा पाठ और जिस तरीके से सभी ब्राह्मण समाज के संत पुजारी पूजा पाठ करने के लिए आए हैं, इस जगह को पवित्र बनाने का काम किया है। और आने वाले समय में भगवान परशुराम जी का ये स्थान और भव्य होगा। अपनी रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव इस वक्त गोसाईगंज में परशुराम मंदिर पर पहुंचे हुए हैं और परशुराम मंदिर में वो पूजा करने के बाद मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है। मंदिर का उद्घाटन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये जो परशुराम भगवान का जो फरसा है, इस फरसे की इस वक्त अखिलेश यादव पूजा अर्चना करते हुए बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। और ये विजय रथ यात्रा का आज का चरण था जहाँ पर वो गोसाईगंज पहुंचने वाले थे और गोसाईगंज में पहुंचने के बाद वो मंदिर का उद्घाटन उन्होंने किया और उसके बाद इस वक्त जो परशुराम भगवान का जो फरसा है उस फरसे की पूजा अर्चना करते हुए अखिलेश यादव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। सबसे बात है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो ब्राह्मण वोटर है उस ब्राह्मण वोटर के लिए आज का ये जो विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की सबसे अहम बताई जा रही थी कि जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार में सरकार से नाराज है, क्योंकि जिस तरह से जो फेक एनकाउंटर्स, फर्जी मुकदमे, इन सारे मुद्दों पर जिस तरह से विपक्ष ने मौजूदा सरकार को घेरा है ब्राह्मणों को लेकर, तो उसमें आज का ये जो चरण था, आज की जो विजय यात्रा थी सपा की, ये बहुत अहम बताई जा रही है। क्योंकि इसी विजय यात्रा के जरिए जो उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो ब्राह्मण नेता है, उन्हें अपने पाले में खींचने का प्रयास आज की इस विजय यात्रा के जरिए किया जा रहा है। और बिल्कुल इस वक्त अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं कि गोसाईगंज में इस वक्त अखिलेश यादव जो पूजा अर्चना उन्होंने की है, उद्घाटन किया है परशुराम भगवान के मंदिर का, और उसके बाद ये जो फरसा है परशुराम भगवान का जो फरसा है उस फरसे की भी अखिलेश यादव पूजा अर्चना करने के बाद इस वक्त बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि अखिलेश यादव निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का आज 10वां चरण है और इस वक्त अखिलेश यादव लखनऊ में ब्राह्मण वोटर्स को मनाने में लगे हुए हैं। रथ यात्रा में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आगे अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा की जो बस है वो जा रही है और अखिलेश यादव इसी गाड़ी में है, लेकिन जिस तरह से अभी देखने को मिला कि पूरे रास्ते भर जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, उनसे लगातार अखिलेश यादव का मिलना चल रहा है। लगातार अखिलेश यादव जगह जगह पर अपने भाषणों के दौरान भी इस बात को कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार की क्या खामियां हैं, मौजूदा सरकार की क्या कमियां हैं, और उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, ब्राह्मणों के जो फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, फर्जी मुकदमे हुए हैं, उन सब का जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया है। फिलहाल आज अखिलेश यादव का ये जो 10वां चरण है विजय रथ यात्रा का, ये गोसाईगंज में जाकर रुकने वाला है। थोड़ी देर में गोसाईगंज में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये वही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जिस पर अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा इस वक्त चल रही है, जिसका उद्घाटन कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी सरकार ने इसका फीता काट करके इसको भी अपने नाम करने की कोशिश की है। देखना ही होगा कि अखिलेश यादव आज जिस तरह से ब्राह्मण वोटर्स को मनाने में लगे हुए हैं, वो इस विजय रथ यात्रा के जरिए कितना कारगर सिद्ध होती है।
लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 जनवरी को देवबंद दौरे को लेकर अधिकारियों की तैयारियां जो है वो चाक चौबंद जो है वो चल रही हैं। डीएम अखिलेश सिंह ने देवबंद पहुंचकर जनसभा व हेलीपैड स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 जनवरी को देवबंद पहुंचेंगे और नगर में रेलवे रोड पर प्रस्तावित ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर स्टेट हाईवे पर जनसभा स्थल पर विशाल पंडाल और हेलीपैड बनाने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर जारी है। डीएम अखिलेश सिंह ने देवबंद पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, आगामी 4 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभी तक जो हम लोग को टेंटेटिव सूचना मिली है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ कार्यक्रम 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक रहेगा और जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें जो ATS सेंटर है देवबंद में उसका शिलान्यास है, साथ में पुलिस डिपार्टमेंट की अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण भी है। साथ साथ जो है जनपद सहारनपुर के लगभग 100 कार्यों का लोकार्पण। वहीं बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तो युवा सम्मेलन में उत्तर प्रदेश शासन के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी करीबन 3 घंटे की देरी से पहुंचे, जहां जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्यता से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने युवा सम्मेलन में प्रतिभाग किया, जिसमें पहुंचते ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव महाभारत के बराबर है, जिसमें एक तरफ पांडव के रूप में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और योगी जी हैं तो वहीं दूसरी तरफ कौरव के रूप में सारी पार्टियां खड़ी हुई हैं। अब हमें निर्णय लेना है कि हम पांडव की तरफ रहना चाहते हैं या फिर कौरवों की तरफ। जनता पार्टी सभी जिलों में सम्मेलन कर रही है, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन, महिला सम्मेलन, अनुसूचित सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, ऐसे बहुत सारे सम्मेलन लगातार कर रही है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, युवाओं का सम्मेलन है। हमने पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस देश को एक सशक्त, समर्थ और विकसित देश बनाने के लिए जो काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जो काम किए हैं, कोरोना की महामारी के समय में पिछले 1.5-2 वर्षों में हमारी मोदी योगी सरकार ने मिल करके जिस तरह से लोगों की जान बचाई है, देश और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को उत्तम किया है और कहीं किसी गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए, इसलिए पिछले 1.5 वर्षों से जो निःशुल्क अनाज का वितरण और सबकी जान बचे इसलिए जो निशुल्क टीकाकरण का अभियान चलाया है, इन सब बातों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता युवा जनता के बीच जाएं, 2022 में एक बार फिर से भाजपा की ऐतिहासिक विजय हो। वही राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सरोजनी नगर विधानसभा प्रत्याशी जॉलीस खान के साथ BSP राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान सम्मेलन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि BJP की बड़ी बड़ी बैठकें इसके आगे छोटी है, हम 95 बैठकें कर चुके हैं 75 जिलों में। लोग BJP की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में जनसैलाब इस वक्त देखने को मिल रहा है और मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता जो है वो तात्पर्य है। जनता, ये एक हमारी विधानसभा की बैठक थी, विधानसभा की मीटिंग थी सरोजनी नगर की। आपने देखा किस तरह से अपार जन समूह और कितना उत्साहित होकर के आज बहन मायती जी को मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। ये हमारी 95 बैठक हम इसके पहले कर चुके हैं, उसके बाद की ये बैठक 96 थी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में हमने जा करके देखा, इसी तरह की बैठकें वहाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग भी थे, आपके चैनल वाले भी थे और इसी तरह का उत्साह पूरे प्रदेश में, और ये दिखा रहा है कि यहाँ की जो जनता है वो एक बदलाव चाहती है और बदलाव अब उनको इस सरकार से परेशान होकर के, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने पूरा मन बना लिया है
और इस सरकार को उखाड़ फेंक करके बहन मायावती जी को पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। वहीं अयोध्या हाईवे सहित स्थित एक रिजॉर्ट में समाजवादी पार्टी का साथी समागम संपन्न हुआ है। आपको बता दें कि अयोध्या के हाईवे स्थित में ये एक रिजॉर्ट था जहां पर ये साथी समागम कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री लालजी वर्मा ने भाग लिया। इस दौरान अयोध्या विधानसभा से सीएम योगी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि समाज का एक एक बच्चा उनसे नाराज है। जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे वो हारेंगे, यही नहीं उनके पास आसपास की सभी सीटों पर भी भाजपा की पराजय होगी। चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस तरह से ये सरकार आम जनता के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है, किसानों का धान आज क्रय खरीदा नहीं जा रहा है, नौजवानों में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ी है और साथ ही साथ महंगाई आसमान को छू रही है, ऐसी स्थिति में आम जनता स्वयं चुनाव के लिए तैयार है, बदलाव के लिए तैयार है, हम लोगों को कोई बहुत अधिक तैयार। वहीं मैनपुरी में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा की आजादी के अमृत महोत्सव की बाइक रैली बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई। ये रैली संघ कार्यालय से राजा के किले होते हुए प्रमुख मंदिरों और पूरे नगर में भ्रमण करते हुए कॉरपोरेटिव बैंक तक निकाली गई। शहर में जगह जगह रैली को लोगों ने पुष्प वर्षा कर उसका सम्मान किया है। आपको बता दें कि आगामी 9 जनवरी को भी रामलीला मैदान में भव्य अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शरद का अमृत महोत्सव हमारे पूरे प्रदेश में मनाए जा रहे हैं और आगामी कार्यक्रम हमारा 9 तारीख को रामलीला ग्राउंड में भव्य दिव्य होने जा रहा है। उसके आह्वान के लिए सबको निवेदन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे 9 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में सभी उपस्थित हों। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वराज का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से आज निकाला गया अपने कार्यालय से और संघ कार्यालय से निकाला गया। यहाँ से हम लोग कचहरी रोड होते हुए बराज गेट पर पहुँचे, बराज गेट से सभी महाराजा तेज सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, बाकी बीच में जो जो मंदिर पड़े सभी पर माल्यार्पण करते हुए शहर के बीचों बीच घूमते हुए भीमसेन मंदिर वाली गली से होते हुए संतोष। फर्रुखाबाद में नगर पालिका के शहर भर में रात भर अलाव जलाने के दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। शीतलहर के प्रकोप के चलते सामान्य जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की उदासीनता की वजह से नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी निभाने में खाना पूर्ति कर रहे हैं। शहर में नगर पालिका की ओर से 15 जगह अलाव जलाने की जानकारी दी गई। कितनी जगह आग जलाते पूरे शहर में? 15 जगह। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आग नहीं जलती है। कहां? जैसे आवास विकास तराहा है, वहां भी लोग विकास दो दिन से जलने लगी है। तो अब यहां कितने दिन तक जलेगी, मतलब कितने किलो लकड़ी जलती है यहां? लकड़ी हां 25 से 30 किलो बीच में। 25 से 30 किलो बीच पर डे? पूरे शहर में कितने जगह जलती है? 15 जगह। लोगों का कहना है बहुत सी जगह नहीं जलाई जाती है। भाई साहब जो हमारे पॉइंट है कौन कौन से पॉइंट है लग फिर भी पॉइंट? टाउन हॉल तिराहा हो गया, पक्का पुल हो गया, उसके बाद चौक के बाद है रेलवे स्टेशन, ठीक। फिर फतेहपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद ये लाइन ठीक साबित हो गई है कि कठोर परिश्रम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जनपद के चांदपुर में रहने वाले अतुल सिंह ने गांव में बने विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण करके शहर में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने मुकाम को हासिल किया है। अतुल सिंह जिसका चयन एनडीए में होने के बाद उसका पैतृक गाँव में गाँव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ उसका भव्य तरीके से स्वागत किया। अपनी कामयाबी को लेकर चयनित युवक ने कहा है कि यदि मुकाम को हासिल करना है तो कठोर परिश्रम जरूरी है। जैसा कि मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ है तो इसका जो श्रेय है ये मैं सभी को देना चाहता हूँ, क्योंकि छोटे से जब मैं था तो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं सभी ने मेरा सपोर्ट किया है। तो मैं इसका श्रेय केवल एक पर्सन को नहीं, कि इसका श्रेय सभी को जाता है। और अगर रही बात छोटे बच्चों की, तो क्योंकि अभी मैं जो देखता हूँ गाँव में जो माहौल है
कि लोग चाहते हैं कि बस नौकरी लग जाए कोई ना कोई, तो उनको पहले फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, पढ़ाई पे, इसके बाद उनको नौकरी अपने आप मिल जाएगी, कोई भी नौकरी मिल जाएगी अगर वो एजुकेशन पर ध्यान देंगे। वही फर्जी डीआईजी अभिजीत बनकर वृंदावन पुलिस ने रविवार को एक फर्जी को गिरफ्तार किया है। मामला रमण रेती चौकी वृंदावन का बताया जा रहा है। अभियुक्त खुद को डीआईजी बताकर एसपी ट्रैफिक मथुरा, एसपी क्राइम मथुरा और अन्य पुलिस के उच्चाधिकारियों से गलत लहजे से बातचीत करने और आदेश न मानने पर ट्रांसफर, फर्जी धोखाधड़ी कर डीआईजी का ऑफिसर बताना और ट्रांसफर कराने की धमकी देने के संबंध में इसको गिरफ्तार किया गया है और थाना इस्कॉन मंदिर के पास से इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां पर नए साल के मौके पर राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में गोरखपुर ने आजमगढ़ को पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस दौरान समाजसेवी संदीप सिंह सोनू ने विजेता को ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया। वही लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलबेहड़ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर भीरा रोड से चोरी लूट वांछित मामले में 5 अभियुक्तों को 3 बाइकों के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अभियुक्तों के पास से 5 अवैध असलहे, 315 बोर व कारतूस और नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। थाना फूलबेहड़ में एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के कब्जे से लूटी गई 3 मोटरसाइकिल व लूटे गए और छीने गए 7 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इनके पास से 5 जिंदा कारतूस एवं 5 असलहे भी, नाजायज़ असलहे बरामद किए गए हैं। बहुत ही शातिर किस्म का गिरोह है। इनकी मोडस ऑपरेंडी चलते हुए जो राहगीर फ़ोन पे बात करते हैं उनसे फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। मोटरसाइकिल की लूट भी कारित की गई है। अन्य जनपदों से भी इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में वही रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नूरुद्दीनपुर निवासी विनोद कुमार पर बबूल का पेड़ गिर गया। बता दें कि ये युवक गांव के समीप बकरी चरा रहा था, तभी बबूल का पेड़ काटा जा रहा था। पीड़ित जो कि मंदबुद्धि है, उसे वहां से हटाया नहीं गया और पेड़ उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वहीं पेड़ काटने वाले मौके से फरार हो गए, जिसकी पुष्टि मौके पर बकरी चरा रहे अन्य लोगों ने तत्काल की। वहीं आनन-फानन में घायल को 108 एम्बुलेंस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर आशीष नायक ने जांच कर बताया कि पैर टूट गया है, जिसे तुरंत रेफर कर जिला अस्पताल भेजा गया। ये घटना, ये गया था बकरी चराने, कोई पेड़ काट रहा था, वहां पे ये था, पेड़ के नीचे खड़ा था, बताया भी नहीं कि पेड़ गिरने वाला है और इसके ऊपर पेड़ गिरा दिए। किस चीज का पेड़ काटा जा रहा है? बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ काट रहे थे, इसको बताया भी नहीं है, थोड़ा मंद बुद्धि भी है, बताया नहीं, इसी के ऊपर पेड़ गिरा दिए, इसका पैर टूट गया। हाँ, एक व्यक्ति आया हुआ है जिसका नाम विनोद कुमार है और पिता का नाम अग्नू है, अभी थोड़ी देर पहले आया है, जिसकी साथ वाले लोग बता रहे हैं कि उसके ऊपर पेड़ गिरने से उसके शायद संभावना है कि उसके दाहिने थाई पे चोट लगी और फ्रैक्चर होने की संभावना है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर नए साल के चलते होकाबार में पार्टी के दौरान पुलिस की रेड पड़ी और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। होटल के मैनेजर और स्टाफ को भी हिरासत में ले लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से होटल संचालक हुक्काबार जो है वो चला रहा था। लालगंज थाना क्षेत्र के होटल अजय पैलेस में हुक्काबार संचालित था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। जनपद रायबरेली के लालगंज कस्बे में स्थित होटल अजय पैलेस में हुक्काबार चल रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची, पहुंच करके वहां से 14 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ होटल के मालिक और मैनेजर को भी हिरासत में लेकर के वैधानिक कार्रवाई करते हुए आवश्यक कार्रवाई की। वही लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत देखने को मिली है, जिसमें दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए और ट्रक कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस घायलों को सीएचसी ले गई, जहां से गंभीर अवस्था में कंटेनर चालक को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
वहीं फरीदाबाद में इन दिनों लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जिला सकते में आ गया है। नए साल 2022 की पहली रात में ही 3 हत्याओं से पूरा जिला दहल गया। बता दें कि पिछले 12 दिनों में तो 6 हत्याएं हो चुकी हैं और अब तक एक ही रात में 3 और हत्याएं होने के साथ अब यह आंकड़ा 9 के पार पहुंच गया है। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई है। फिलहाल पुलिस ने 3 हत्याओं के मामले में मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाम को सूचना प्राप्त हुई थी थाने में राहुल नामक लड़के को दूसरे पक्ष ने चाकुओं से वार किया है, जिस सूचना पर वन निरीक्षक स्वयं अपनी टीम के साथ मौका पर पहुंचा, जहां पताजोई की वहां हमें मजरूब नहीं मिला। वहां पता चला कि सर्वोदय हॉस्पिटल जा चुका है। जो सर्वोदय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां वो लड़का अंडर ट्रीटमेंट मिला और वारसान भी मिले और जिसकी इलाज के दौरान रात को ही मौत हो गई थी, और जो उसके पिताजी ने शिकायत दी, जिसमें 4 आदमी गांव सागरपुर के ही उन्होंने नामजद कराए हैं और उनके साथ 3-4 अन्य बताए हैं, और जो जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा। मामला अभी कहा नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन है अभी और जेल तफ्ती से मामला भी जो भी आपके तथ्य आएंगे सामने बता देंगे। किस चीज से मारा गया है? अभी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आएगा। जो भी पुलिस ने किन धारा क्या थे, हमने 302 307 और 323 में FIR लॉज की है और उसके भाई पे की है, भाई के स्टेटमेंट पे भी FIR लॉज की है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो तथ्य होंगे आपको बता देंगे। एक जख्मी भी है इसमें, युवक जख्मी है, वो अभी उपचाराधीन है। फतेहपुर के बिंदगी नगर में थाने के पीछे एक स्टापन जिम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कानपुर से शुएब और मिस्टर यूपी मोहम्मद चांद जजमेंट करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस कंपटीशन में तमाम प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिसमें सभी प्रतियोगिताओं को सम्मानित भी किया गया है। कार्यक्रम के समापन पर मिस्टर यूपी ने दर्शकों और प्रतियोगियों से कहा कि जिम करने का मकसद सिर्फ बॉडी यानी शरीर बनाना नहीं होता, बल्कि जिम करने से व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है। वहीं कानपुर में नए साल के दिन फिल्मी स्टाइल में असलाहा लेकर टहलते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो चकेरी के चौकी सनिगवा इलाके का बताया जा रहा है, जहां चौकी सनिगवा क्षेत्र में स्थित देशी शराब की दुकान के बाहर दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं दोनों पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे को जान से मारने पर आमादा हो गए। वहीं वायरल वीडियो में हाथों में असलहा लिए युवक ने वर्चस्व दिखाने के लिए चौकी सनिगवा क्षेत्र के गणेशपुर मोड़ पर एक हवाई फायर भी झोंका था। हवाई फायरिंग करने के बाद युवक हाथों में असलहा लेकर मौके से भाग निकला था। इस दौरान किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।